नगरीय निकायों की सत्ता में काबिज होने की कोशिश में जुटी सत्ताधारी भाजपा को पहली कामयाबी हासिल हुई है। महासमुंद जिले के सरायपाली नगर पालिका में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और कांग्रेस के अध्यक्ष को कुर्सी छोड़नी पड़ी। भाजपा के तीन पार्षदों ने पिछले दिनों जिला कलेक्टर को अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने का आवेदन किया था, जिसके बाद यहां पार्षदों के बीच वोटिंग कराई गई थी। इस जीत के बाद भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। शहर में जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर दुर्गेश वर्मा ने बताया कि सरायपाली नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पास हो गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े और विपक्ष में 3 वोट, जिससे अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है। नगर पालिका परिषद सरायपाली में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसमें सभी निर्वाचित पार्षदों की उपस्थिति में, 15 सदस्य जो निर्वाचित पार्षद है उनकी उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है उसकी कार्यवाही संपन्न हुई। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के धारा 43 के प्रावधानों के तहत पारित घोषित हुआ है, अतः अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा। बता दें कि कांग्रेस समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पिछली बार भी भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसमें अध्यक्ष की जीत हुई थी, लेकिन वो इस बार अपनी कुर्सी बचा पाने में नाकाम रहे। बता दें कि नगर पालिका परिषद में पार्षदों की कुल संख्या 15 है। मौजूदा समय में भाजपा के कुल 8 पार्षद, कांग्रेस के 4 पार्षद और निर्दलीय 3 पार्षद हैं। अमृत पटेल कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष थे। अब देखना होगा कि भाजपा किस प्रकार बाकी की नगर पालिकाओं के कांग्रेस के अध्यक्षों को बदलने का प्रयास करती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।